मेरे बॉस ने बोला था कि या तो ये चूज कर लो या तो ये चूज कर लो, बट मैंने कहा कि मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा। और मैं फिर मुंबई आ गया और उसके बाद में कई रियलिटी शोज मैंने किए। मेरे पापा ने मेरे को एक सांस में कम से कम 150-200 गालियां दी थी, तो मैंने कहा ठीक है यार। बहुत गालियां दी थी मुझे, मतलब मैं जनरली जो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए चीजें इतनी आसान नहीं होती जैसा उनको लगता है। बट मैंने उनको उनको मैंने उनको बोला कि पापा मेरे पे बिलीव करो, मैं कर लूंगा। आपके बोलने से किसी की जिंदगी में बदलाव आ सकता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी जबान से निकाली हुई जो चीजें हैं ना उसको बहुत समझदारी से बोलिए। इंडियाज लाफ्टर चैंपियन का ये जो मेकर है, मैं आपको बताऊं पंकज जी, उन्होंने मुझको 14 साल से रिजेक्ट किया उस आदमी ने मेरे को। सो जय, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू आई एम अ ह्यूज फैन, आई हैव बीन वाचिंग योर यू नो सम ऑफ द गैग्स, और मुझे बहुत पसंद आता है जब आप खासकर पंकज त्रिपाठी जी की आवाज में जो कहते हैं, तो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे उनके स्टाइल में? अरे भाई, पहचान रहे ना हमको, त्रिपाठी जी नहीं है, हम है जय विजय सचान। आपने हमें देखा होगा इंडिया लाफ्टर चैंपियन के मंच में, अद्भुत मजा आता है भाई, और यहाँ भी बहुत विजय जी के साथ मजा आने वाला है, ठीक है ना? कहीं मत जाना, नहीं तो बाबू जी बुला लेंगे घुटने में तेल लगाने के लिए, ठीक है? आप इतनी सारी आवाजें निकालते हैं जय जी, मुझे बताइए सबसे डिफिकल्ट आज तक का कौन सा वो ऐसा वॉइस रहा है जिसमें आपको बहुत बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ी? शाहरुख खान साहब, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ही मतलब अपर लेवल की चीज है। मैं जब उनसे मिला था तो उसके बाद उन्होंने मेरी, मतलब होता है ना पारस पत्थर हमारे यहाँ बोलते हैं, छू के आपकी जिंदगी बदल दे, तो शाहरुख खान साहब ने मेरी जिंदगी बदली है। और मैं जब भी उनको मिमिक करता हूँ तो बहुत तसल्ली से करता हूँ, क्योंकि आपके पास क्या होता है, जब आप जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो यहाँ पर अभी टाइम का बाउंडेशन नहीं, लेकिन जब आप टीवी पर होते हैं तो आपको बहुत उस लिमिटेड टाइम पे आपको बहुत कुछ करना होता है, तो वो सब करने में बड़ा मजा आता है। और शाहरुख खान साहब की आवाज निकालने में ही, मतलब मैंने 16-17 साल उनकी आवाज को निकालने में प्रैक्टिस किया और आज भी करता हूँ, तो उनकी आवाज निकालना हमेशा से ही मेरे लिए थोड़ा सा टफ रहता है और एक्सपीरियंस अच्छा रहता है उनको बोलने में। और यू नो आप सिर्फ आवाजें नहीं निकालते, ये मैंने भी नोटिस किया और आई थिंक जजेस ने भी शायद एक एपिसोड में बोला था कि आप उनके हाव भाव मैनरिज्म्स भी पकड़ते हैं, वो आपने कब से यू नो आपको क्यों लगा कि वो भी इंक्लूड करना तो यू नो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मिमिक्री तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं लेकिन आप जिस तरीके से उनके बारीकी तरीके से मैनरिज्म्स को पकड़ते हैं वो हर कोई नहीं कर पाता। देखिए क्या होता है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग मिमिक्री आर्टिस्ट या इम्पर्सनेशिस्ट, कि आप जब किसी को मिमिक करें तो, क्योंकि आपके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कुछ ऐसा कर हंसा देना वो अजीब लगता है, उनके भी फैंस हैं, तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं जो तरीका है उनको टच नहीं कर सकता, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि उनका जो मैनरिज्म है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो इख्तियार करके मैं अपनी बात को रखूं। तो इस मीडियम से मैं लोगों को हंसा भी सकता हूँ, अपने मैसेजेस भी दे सकता हूँ, तो इस जो मेरी आर्ट है इसके थ्रू मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जब भी मैं किसी को इम्पर्सनेट करूँ तो कुछ ऐसा ना करूँ जो किसी को बुरा लगे। बाकी क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बट मेरा ख्याल हमेशा इस तरफ रहता है कि जिस ये मेरी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े बड़े स्टार्स की मैं आवाज निकाल पाता हूँ, और आप अगर कभी कुछ वैसा बोल दें तो उनके लोगों हर्ट हो जाते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अच्छे से उनका मैनरिज्म पकड़ूं और अच्छी सी लाइनों के साथ में मैं प्रेजेंट करूं, सुनने वाले को भी मजा आए और बोलने वाले को भी मजा आए। इमरान खान का आपने कब सोचा कि उनकी मिमिक्री करनी चाहिए, क्योंकि वो तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स था, अचानक से आ गया है। इवन शेखर जी और अर्चना मैम वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे एंड दे वर यू नो वेरी शॉक्ड कि आप वो कर पाए, पहले तो वो करके दिखा दीजिए आप। इमरान जी को एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड भी पहले मीडिया का ही रहा है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा है चीजों पर जी। सो जब कभी न्यूज में थे तो कभी लिखा करते थे सब चीजों के बारे में, तो प्रैक्टिस करता था किस तरह से वो बोलते हैं, और वो बड़ा लोगों को पसंद आया। मैं आपको सुनाता हूँ। देखे जी विजय जी, सबसे पहले तो आपने एक बात समझनी है, आपने घबराना नहीं है, मैंने
मैंने बड़ी बार सुना है ये जो लड़का है जय विजय, आप यकीन माने बड़ा कमाल का करता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैंने कई बार मैंने मुसलसल लोगों से भी इसके बारे में बड़ी गुफ्तगू की है, आप देखे इस लड़के को कितना कमाल का करता है। और मैंने बड़ी बधाइयां देनी है विजय जी आपको और जय विजय को कि आप दोनों साथ में आके मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ा कमाल का लग रहा है। अमेजिंग अमेजिंग। जय जी मुझे ये बताइए कि ये इंटरेस्ट कब जागा आपको, अगर आपके बैकग्राउंड की बात करें, कब आपको लगा कि यू नो आई कैन डू समथिंग ऑन दीज लाइंस, या आई हैव एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स यू नो मिमिक्री या वॉइस से निकालना या अलग अलग कुछ ट्राई करना? आई एम चाइल्डहुड। एक बार मेरे फादर ने मुझको मारा था, एक बार मुझे, क्योंकि मैं यूपी का हूँ तो हमारे यहाँ मारना आना बहुत कॉमन सी चीज होती है। तो मेरे पापा ने मेरे को 5-6 थप्पड़ लगाए, तो मेरे घर के सामने से ना एक मैदान था, हम सभी दोस्त वहां पर क्रिकेट खेला करते थे। तो दोपहर मेरे पापा लंच के लिए आए थे, उन्होंने मुझे मारा तो मैं भाग के उस मैदान पे चला गया, और कुत्ते थे, मैंने कुत्तों की आवाज निकाली somehow, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर पाता हूँ। और विद इन वीक मैंने कुछ आवाजें बोलना शुरू कर दिया, बट मैं थोड़ा शाही था पहले भी, आज भी हूँ, तो अपने पेरेंट्स से बताने में बड़ा डर लगा। लेकिन जब धीरे धीरे उनको लगा कि आवाजें निकालता था, बड़ी मार खाता था मैं आवाजें निकालने की वजह से भी, तो बहुत साल छुपा के रखा मैंने और मैं चुपचाप प्रैक्टिस किया करता था। और धीरे धीरे फिर वो मुझे लगा कि ये मुझे ऊपर वाले ने मुझे एक तोहफा दिया है, मैं उसकी प्रैक्टिस करने लगा और बाकी आप लोगों के सामने। तो आपने फिर पेरेंट्स को कब बताया कि यू नो आई वांट टू परस्यू दिस एज अ प्रोफेशन, एंड हाउ सपोर्टिव दे वर? सपोर्टिव देखिए क्या होता है कि पेरेंट्स को जरूर लगता है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सी चीजें होती हैं, बट मुझे लगता था गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। अच्छा मैंने क्या ठीक ठाक पढ़ाई भी की है, आई एम डबल मास्टर्स, पहले मैंने रेडियो किया फिर मैंने टीवी किया। तो मैं अपने फादर को बोला कि मुझे ये करना है, तो पापा ने कहा बेटा इसमें क्या होता है, मुंबई में तुम्हारा कौन रखा है, कहाँ से करोगे, कैसे करोगे? तो मैंने कहा नहीं आप मेरे पे बिलीव करो, मैं कर लूंगा। और मैं हर साल ना ऑडिशंस देता था डिफरेंट जो हमारे रियलिटी शोज होते थे, और उसके बाद में मेरा एक रियलिटी शो में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में तब मैं मीडिया में था, मेरे बॉस ने बोला था कि या तो ये चूज कर लो या तो ये चूज कर लो, बट मैंने कहा कि मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा। और मैं फिर मुंबई आ गया और उसके बाद में कई रियलिटी शोज मैंने किए, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मुंबई ने मुझको बहुत दिया, नाम शोहरत बहुत दिया, तो मुझे बस यहाँ तक आते आते सिलसिला जारी है, बाकी मेरे चाहने वालों का प्यार है मेरे पास। तो आपको वो जॉब छोड़ना पड़ा? जी जी, मुंबई आने के लिए। मुंबई आने के लिए मेरे बॉस ने बोल दिया था, वो कंफर्म जॉब थी, अच्छी खासी सैलरी, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, एक हरियाणा बेस्ड और दिल्ली में है न्यूज, अभी क्योंकि नाम नहीं ले सकते तो न्यूज चैनल में, मैं प्रॉपर न्यूज रीडर था। यस सो वो करने के बाद फिर मेरे को जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे लगा, क्योंकि मुझे, मैं ये मानता हूँ इस चीज को कि आपको जो काम पसंद है जब वो आपको करते हैं ना तो आपको वक्त का पता नहीं चलता, आप उसको एंजॉय करते हो। तो जैसे हम लोग शूट करते हैं 12-12, 13-13 घंटे आप हम सेट पर होते हैं, उसके पहले हम कई रातें सोए नहीं होते, बट हमको ना उस चीज का मलाल नहीं होता क्योंकि हम यही करना चाहते थे, हमें ये पसंद है करना। और मीडिया की पढ़ाई करने में मैंने बहुत कुछ सीखा, जॉब में बहुत कुछ सीखा, लिखना सीखा, बोलना सीखा, तो मैं ठीक ठाक अच्छे खासे काम कर लेता हूँ, मतलब मल्टीटास्किंग हूँ। तो जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं ये जॉब छोड़ के मुंबई जाना चाहता हूँ कि मुझे एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना है, और उन्हें पता था कि एक सैलरी हर महीने अंत में आपके हाथ पे सैलरी आती है, वो छोड़ के आप स्ट्रगल करने जाना चाहते हैं मुंबई, तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरे पापा ने मेरे को एक सांस में कम से कम 150-200 गालियां दी थी, तो मैंने कहा ठीक है यार। बहुत गालियां दी थी मुझे, मतलब मैं जनरली जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए चीजें इतनी आसान नहीं होती जैसा उनको लगता है, बट मैंने उनको बोला कि पापा मेरे पे बिलीव करो मैं कर लूंगा। पापा ने बोला कि देखो तेरे को पढ़ाने में मेरे को कितना पैसा लगा, इतना ऐसा लगा। मैंने कहा पापा मेरे को बिलीव करो, एक साल दे दो मेरे को, 365 दिन दे दो, 365 दिन में मैं आपको आपका जितना भी आपने मेरे पढ़ाई के लिए लोन लिया था मैं वो लोन भी दे दूंगा और बाकी सब काम कर लूंगा। तो पापा ने कहा तू तेरे बस का तो कुछ है नहीं, तू जा, अब जब तूने डिसाइड ही कर लिया है तो जा।
लेकिन हाँ. मुंबई ने इतना कुछ दिया ना कि मैंने जनरली एक साल में अपने मेरा जो जितना लोन था वो मैंने अपना वो निकाल दिया. और मेरे पापा को अच्छा लगा जब लोग मेरे बारे में बात करते हैं. आज मेरे पापा बहुत खुश होते हैं कई बार क्योंकि मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, सेमी अर्बन प्लेस है वहां पर. तो जब भी कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल निकलता है, जब भी मेरे बारे में कोई लिखता है, तो क्या करते हैं वो पेपर की ऐसी कटिंग ऐसे ना काट लेते हैं और अपनी पॉकेट वाली पॉकेट में डाल लेते हैं. तो मैंने एक बार देखा भी कि उनके पॉकेट में, क्योंकि मैं जब मैं छोटा था तो अपने फादर की पॉकेट से 20 रुपए चोरी किया करता था. और आज भी है, मैं आज भी अपने घर जाता हूँ और आज भी 20 रुपए चोरी करता हूँ. तो उनकी पॉकेट में एक बार देखा. ये लत है या आदत बन गई है? अब मैं कहते कि आप उम्र बढ़ती है लेकिन आप वही रहते हैं. लोग बेवजह से अपने आप को मेच्योर मान लेते हैं. अरे भाई मेच्योर क्यों बनना है? क्या जरूरी है कि आपको मेच्योर बनना है? आप वो रहो जो है. मैं वो मेरे फादर है, मैं बचपन में वही करता था, मैं आज भी वही करता हूँ. तो मैंने उनकी ऊपर एक डायरी होती है, उस डायरी में मैंने अपना आर्टिकल दिखाया. मेरे कहीं विजिट करता हूँ तो उसके बारे में आता रहता है. मेरी आंख में आंसू आ गए. तो मैंने कहा अच्छा लगता है कि मेरे फादर लोगों को दिखाते हैं, देखो मेरा एक बेटा है. सो इट्स ग्रेट. सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आज तक आपको जय विजय जी क्या मिली है और किससे मिली है? अरे एक बड़ा अजीब सा कॉम्प्लीमेंट मेरे को मिला. मैं एक बार एक कानपुर में एक शो के लिए गया हुआ था, एक कोचिंग क्लासेस का शो था वहां पर. तो बहुत से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और बाकी लोग आए हुए थे बच्चों को मोटिवेट कर. तो मेरे से क्लाइंट ने बोला कि जय भाई आप भी कुछ बोल दीजिए. तो मैं क्या किया, स्टेज पर ऐसे जाके थोड़ी दो चार ऐसे बातें की. कुछ साल बाद मैं कोटा के पास एक जगह पड़ती है सीकर, IITians की कोचिंग वगैरह वहां पर होती है, बहुत फेमस जगह. वहाँ शो के लिए गया हुआ था. तो मैं रात को 1:30 बजे अपने होटल रूम में था. सुबह मेरी 5 राइट की, और एक बार बार मेरे पास रिसेप्शन से कॉल आ रहा. मैंने उसको बोला कि भाई तेरे को मना किया था कि यार अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करना, बच्चे आते हैं मिलने के लिए, बट टाइम हो गया है अभी बहुत, मेरे को सुबह जाना है. कह रहे सर आ जाइए, बहुत अर्जेंट है. तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? मैं नीचे गया तो बच्चा था, उसके साथ 5-6 लोग थे, पेरेंट्स थे. वो बच्चा आके मेरे गले लग गया वो और रोने लगा. मैंने कहा पता नहीं भाई मैंने क्या कर दिया, मेरे जिंदगी में बहुत इधर उधर की चीजें की, मैंने कुछ गड़बड़ किया. मैंने कहा भाई क्या हुआ बता. उसकी मदर ने बोला कि आपने मेरे बेटे की जिंदगी बदल दी. और मैंने कहा भाई मेरे को बदलने में अपनी इतना टाइम लग गया, मैंने आपकी बेटे की जिंदगी कैसे बदल. तो वो बच्चा बोला कह रहा सर एक बार याद है आप कानपुर में एक जगह पर आए थे और आपने ये किया. तो मैंने हाँ याद है मेरे को शो के बारे में सर. तो मैंने कह रहा आपने उस रात में चीज बोली थी कि जिंदगी में आदमी तभी सक्सेसफुल नहीं होता जब वो अपनी लाइफ के गोल बदलता रहता है. तो मैंने कहा हाँ मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोल देता हूँ. कह रहा है सर आपकी उस लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया है. वाओ ओ गॉड. मैंने कहा मेरे पापा को यहाँ स्टेज पे ऐसी बोली हुई चीज उन्होंने इतने सीरियसली ले ली. और नहीं अब उसका देखिए IIT में सिलेक्शन हो गया. वो लड़का अभी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है. और तो देखिए ये ऐसी चीजें होती हैं कि आपने किसी की लाइफ बदल दी somehow. और देखिए लोग कॉम्प्लीमेंट तो देते हैं कि यार बहुत अच्छे आप कॉमेडियन है, बहुत अच्छी आवाजें निकालते हैं, लोगों को बहुत हंसाते हैं, ये सब चीजें तो होती रहती है, इतना ऊपर वाले की मेरे पर कृपा है. लेकिन ये कुछ एक ऐसी चीज लगती है कि मेरे को लगता है कि यार आपके बोलने से किसी की जिंदगी में बदलाव आ सकता है. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी जबान से निकाली हुई जो चीजें हैं ना उसको बहुत समझदारी से बोलिए, क्योंकि कहीं कोई आपसे इंस्पायर हो रहा है, कहीं आपकी बोली हुई चीज से किसी की जिंदगी में कुछ गड़बड़ हो सकता है और आपकी बोली हुई चीज से किसी की जिंदगी में कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं. इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि बी पॉजिटिव और हमेशा अच्छा बोलिए लोगों के लिए. जरा मुझे नवाज भाई के स्टाइल में कुछ बताइए. मैं आपको बताऊं कि अगर मैं तो गॉड ऐसा कभी ना, अगर मैं कभी किसी की मैयत पे भी जाता हूं ना तो लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं भाई एक नवाज की आवाज हो जाए ना. ये होता है राइट. अभी कहना विजय जी इन लोगों को भी मैं कैसे बताएं, 10 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है, मैं मौत को छू के तक से वापस आ सकता है. जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं. जाकर रिकॉर्ड चेक कर, देख जाके पूरे इंसान है कि भगवान है. अभी डायलॉग बाजी बहुत हो गए, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हो मैं तुमको एक बात बोलने का है. जिंदगी इतना छोटा सा है, सपना इतना बड़ा बड़ा है, तो अभी सपने को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना. माँ कसम जिंदगी में बहुत मजा है, एक बार अपना पैशन फॉलो करके देखो. लेकिन पढ़ाई लिखाई करने का समझा क्या,
नहीं तो ठोक देगा सबको। अब मुझे याद है कि आपने ये कहीं ना कहीं आपने इसका एड जो है वो छोटा सा टीकेएस में द कपिल शर्मा शो में सलमान के सामने परफॉर्म किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप नवाज के गेटअप में थे और आपने ये परफॉर्म किया था, उस समय सलमान का या बैक स्टेज या किसी का क्या रिएक्शन था जब आपने परफॉर्म किया, बिकॉज ही लुक वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। यस यस, अरे सलमान भाई बहुत कमाल एक्सपीरियंस। देखते हो मैं एक तो मैं ऐसा गेटअप लेकर गया था कि लोगों ने मेरे को बाद में बोला कि जय भाई आप किसी लड़का आवाज निकालता, मैंने कहा भाई मैं ही था यार। ओके ओके, तो सलमान भाई से बाद में मिला तो बोले नाइस, अच्छा करते हो, थोड़ी अपनी टांगों में काम करो, ये दुबली बॉडी तुमने अच्छी बनाई है, और मैं नवाज को बताऊंगा, हाँ ये अरबाज अच्छा करता है ना, ऐसे करके चीजें वो बातें हुई उनसे। बहुत कमाल के इंसान है, तो मजा आता है, मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार और आपको कॉम्प्लीमेंट दे, क्या चाहिए आपको जिंदगी में बीइंग एन आर्टिस्ट। आप शाहरुख को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, शाहरुख से खैर हर कोई प्यार करता है, लेकिन जब आपने उनके सामने परफॉर्म किया था इससे पहले एक शो में जी, और जी, आपने उनके सामने आई थी उनकी ही मिमिक्री की थी जी, और अगर आप किसी एक्टर को इतने ज्यादा प्यार करें बचपन से, इतना ज्यादा आप उनके फैन रहे, उनके सामने उनकी आवाज निकालना, वो बहुत खुश भी थे, बहुत कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे थे उसके बाद, मुझे याद है आपको क्या चल रहा था उस वक्त आपके मन में, और जब आपने परफॉर्म किया उसके बाद बैक स्टेज क्या बातें हुई। मैं आपको बताऊं, मतलब शाहरुख खान साहब के बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, मैं उनको सोच के मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं, आप ये समझिए। उसके पहले मैं एक रियलिटी शो कर चुका था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो ये लोगों को समझना भी बड़ा जरूरी है, आपकी जिंदगी को ना चेंज कर देती हैं कुछ चीजें। जिंदगी में ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ था, मैं शोज वगैरह कर रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, बट डे आई मेट शाहरुख खान ना सब कुछ बदल गया मेरी जिंदगी में, उन्होंने मेरे को छुआ, जिंदगी बदल गई। उन्होंने बोला, मैंने उनको आवाज सुनाई उनकी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बोला कि आवाज होगी शाहरुख खान की, निकालेंगे जय विजय सचान प्रेजेंटिंग जय विजय सचान, एंड द मोमेंट सब कुछ बदल गया मेरे बैकग्राउंड में, जब मैं तो आज स्टेज पे था, मैंने उनको आवाज सुनाई और मैं रो रहा था, बहुत रोया, बहुत ज्यादा रो रहा था मैं, और मैं बैक स्टेज, उन्होंने मेरे को बुलाया वो प्रोडक्शन हाउस के, आपको सेट के पीछे जो थोड़ी सी जगह होती ना जब बॉक्स रखे रहते हैं, वो वहां पर बैठे हुए थे कॉफी पी रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, नाम क्या है पितर तुम्हारा, मैंने सर जय कितना पढ़े हो तुम, मैंने मुझे लगता है तुम ठीक ठाक पढ़े हो गए, मैंने कहा सर मैं डबल मास्टर्स हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और वो पूरे टाइम रोता है, रो क्यों रहे हो, क्यों जरूरत नहीं, तुम इतने काबिल हो कि तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और देखना एक दिन हम लोग साथ में काम करेंगे, ये तो मेरा दिल रखने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनके जो कॉम्प्लीमेंट थे ना, मतलब मेरी जिंदगी बदल गई, मतलब शाहरुख खान ना ये एक बड़ी चीज है, ये इट्स नॉट अबाउट कि वो इतने बड़े सुपरस्टार है, वो इतने अच्छे इंसान है ना, आपके साथ होंगे तो आपको लगेगा कि यार ये आपके कितना क्लोज है, उनका जो तरीका है लोगों से बात करने का, जो बिहेवियर है, जिस तरह से वो लेडीज के साथ में आते हैं, जिस तरह से वो उनकी हॉस्पिटैलिटी है, जिस तरह से वो अच्छे इंसान है, How he treats people, basically. Yes, मैं उनकी वजह से बहुत बदला, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान बना तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा उनका योगदान है, और मैं कभी भी किसी भी मौके पर ये बात बोलना हमेशा बोलता हूँ कि शाहरुख खान साहब ने मेरी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से बदल दिया। और लोग अक्सर आर्टिस्ट जितना स्ट्रगल करता है, जितनी मेहनत करता है, लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी जय, आप अकेले में प्रैक्टिस तो कर रहे थे, अपने हुनर पर काम तो कर रहे थे, लेकिन कितना वक्त लगा स्ट्रगल करना, और वो एक फर्स्ट रियलिटी शो या वो पहला प्लेटफॉर्म पाना, फिर पहले प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाना और अपने टैलेंट को शोकेस करना, कितना वक्त लगा, वो स्ट्रगल पीरियड कैसा रहा आपका। वक्त लगा, बहुत मेहनत लगी, और मैं लोगों को, जैसे आपने देखा होगा, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लोग बहुत सी ऐसी चीजें बोल देते हैं जिनको लगता है वाह क्या स्ट्रगल किया इसने, लेकिन मैं एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, जितना कुछ इंसान की भी कुछ गलतियां होती हैं, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अपनी जिंदगी को 4-5 साल मैंने अपने बर्बाद किए, ग्रेजुएशन के बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम था ना, तो आपकी इनिशियल एज पर होते हो ना, जब आप 18 और 20 में होते हो ना, तो लड़कियां घूमना फिरना, मैं इस पर बहुत लगा रहा, तो मुझे बाद में बहुत ये रिग्रेट हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल बर्बाद किए, मैंने उसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं कर सकता था, मैंने इसलिए मेहनत की। बहुत सी ऐसी चीजें हुई
जो बड़ी मतलब बड़ी डरावनी सी हैं, मतलब आपको मेंटली एक ट्रॉमा होता है, कई बार आपकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाती है, ये हुआ, फादर बोल रहे हैं कि बेटा तुमको पढ़ाई में इतना पैसा दे दिया, अभी भी तुमको पैसा दें क्या, तो ये जो चीज होती है ना, ये बड़ी आपको इससे टैकल करना आना चाहिए। और फिर मैंने मीडिया चूज किया था, तो जिन लोगों को नहीं पता कि मीडिया, उन लोगों को लगता है मीडिया बहुत आसान जॉब है, मुझे लगता है कि इस प्लेनेट की सबसे मुश्किल जॉब है। अगर आपके पास एक बिग ब्रांड नहीं है ना, तो आपको पता नहीं कि आपको सर्वाइव कैसे करना है। मैंने दिन में भी जॉब की है, मैंने रात को भी जॉब की है, मैं सुबह न्यूज में जाता था, शाम को मैंने एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, वहां पर सुपरवाइजर था कि मुझे पैसे मिले, यहाँ से भी पैसा नहीं मिलता मेरे को, वहां से भी पैसा नहीं मिल रहा। और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं बड़ा स्ट्रगल किया मैंने बहुत, लेकिन मैं कर सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं, भूखे रहना या फिर ऐसा होना, ये बहुत बहुत छोटी चीज है, लोग इसको बहुत तूल दे देते हैं। मैं कर सकता था, मैंने वो स्ट्रगल किया और फिर मुझे जाकर एक ठीक ठाक कंपनी मिली जहां पर मैंने अपनी मीडिया की अपनी जॉब चालू की। और मैं कभी पीछे नहीं हटता अपनी चीजों को। आप एक लाइफ है आपको, या तो फिर आप बैठ जाओ, या तो देखते रहो कि यार जो होने वाला है, या तो फिर आप मेहनत करते रहो अपनी चीजों को पाने के लिए। आप 99 आप आए ना, जब तक इट्स नॉट सेंचुरी, आपने कितनी पढ़ाई की ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, टिल द टाइम यू आर नॉट सक्सेसफुल ना, आपके ऊपर हर कोई सवाल उठाएगा। तो आपको अपने आपको मुकाम तक पहुंचने के लिए, अपनी चीजों को पाने के लिए आपको मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी, आपने भी की होगी, हर कोई करता है, वो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये तो कोई दोहरा नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए परेशानी होती है आपको, मेंटली परेशानी होती है, वो कुछ टाइम की रहती है आपको, क्योंकि लाइफ में हर किसी के ये मौका जरूर आता है। स्ट्रगल इज नॉट ओनली अबाउट कि आप भूखे रह रहे हैं, स्ट्रगल कई बार ऐसा होता है कि आपको मेंटली आप इतना परेशान है। मेरे पास मेंटली भी था और फाइनेंशियली भी था, लेकिन मुझे पता था कि मैं कर ले जाऊंगा, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे अंदर जो है ना वो शायद किसी के पास नहीं, मैं कुछ अलग, एक फेथ था, तो ऑलवेज हैव फेथ इन यू कि आप क्या हो यार, वो मैंने फॉलो किया और मैंने कहा कि मैं कर लूंगा, ये है, और मैं हार नहीं मानता हूँ, मेरी आदत है मैं हार मानता ही नहीं हूँ। पांच बार मैं उस शो से रिजेक्ट हुआ था, मैं उस शो पे आने के लिए, मैंने पांचवा सीजन मुझे हुआ, उसके बाद दूसरा, उसका तीसरा, शाहरुख खान साहब से मिलना भी एक मेरा था, मेरा पढ़ाई लिखाई करने का था, मेरा फॉरेन कंट्रीज में जाने का था, तो मैं बहुत 20-22 फॉरेन कंट्रीज में टूर कर चुका। उसके बाद में मेरा ये था कि जिस इंडियाज लाफ्टर चैंपियन का ये जो मेकर है, मैं आपको बताऊं, पंकज जी, उन्होंने मुझको 14 साल से रिजेक्ट किया है, उस आदमी ने मेरे को 14 साल से, जब पहला लाफ्टर चैलेंज आया था मैंने तब ऑडिशन दिया, दूसरा, तीसरा, इनका जो जितने भी लाफ्टर शोज आए, अलग अलग इनके जो लाफ्टर शोज आए, मैं उस पे ऑडिशन देता था, मना, क्योंकि उसमें मेन शो के करता धरता यही थे। तो मेरे जिंदगी में एक ये बचा था कि यार ये आदमी मेरे को हर बार रिजेक्ट किया है, इसको मेरे को लेना पड़ेगा, हर बार कहता है बेकार है। और वो आदमी मैं आपको बताऊं, उनके सामने से ही बड़े बड़े देश के कॉमेडियन निकले हैं, आप किसी का भी नाम लो सब उनके नीचे से निकले, A to Z सबको उन्होंने वही लेकर आया। तो मेरे दिमाग में था यार ये आदमी तो कमाल का है, लेकिन यार उनके सामने आप, मैं आपको बताऊं, उनके साथ काम करना भी दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं अपना 7 किलो मैंने अपना वजन लूज कर दिया है, 7 किलो इतने प्रेशर में, मैं आपको बताऊं, लेकिन ये पता था अगर ये हंस दिए इट मींस मैं बहुत कमाल का कर रहा हूं। तो आप ही समझो, उनको हंसाना इस दुनिया का, आप मतलब आप वोल्केनो के ऊपर बैठे हो जब आप उनको स्क्रिप्ट सुनाते हो। तो बहुत सी चीजें हुई, बहुत चीजें हुई, लेकिन फाइनली मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ कि ये जिंदगी भर मेरे साथ एक चीज रहेगी कि इंडियाज लाफ्टर चैंपियन का मैं हिस्सा हूँ। बहुत बड़ी चीज, देश से लोग लिए गए, इतने बड़े चैनल के लिए परफॉर्म करना कमाल का एक्सपीरियंस है, कमाल का। आप लोग एक एक साथ एक रूफ के अंदर इतने सारे लोग हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप पहले भी दूसरे शो में परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन किसके साथ सबसे ज्यादा अच्छी दोस्ती हुई है विग्नेश पांडे, मतलब इज लाइक माय ब्रदर, मतलब उससे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इवन मतलब आप ये देखिए, समटाइम्स ऐसा लगता है कि हमारा कुछ कनेक्शन है, कुछ जैसे बचपन के आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, जैसे आप दो लड़कियां हैं आपस में बात करते हैं तो हल्का सा आप आईब्रो भी आप करते हो ना, सामने वाले को पता चल जाता है उस बेस्ट फ्रेंड की अभी ये क्या है। तो विग्नेश मुझे लगता है कि मैं बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ कि हम एक पहले शो में भी मिले थे, हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन इस शो में हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हुई। तो मुझे लगता है कि आप अपने शहर से एक दूसरे शहर में रहते हैं जहां पर आपका कोई ऐसा है जिसको आप भाई बोल सकते हैं, जेन्युइनली आप उसको अपना भाई बोल सकते हैं। तो विग्नेश पांडे से मेरा बहुत कमाल का
बॉन्ड है, और वो आर्टिस्ट भी बहुत कमाल का है. मुझे लगता है कि मैं देखिए क्या होता है, कुछ चीजें होती है जो आपको पता होती है कि आप कितना अच्छा करते हो, कितने आप में कितना कैलिबर है. मुझे लगता है कि मेरे बराबर है उस लड़के में, वो सबसे कमाल की बात है. जिस तरह के हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हम चीजों को पकड़ के बोलते हैं. मैं थोड़ा सा संजीदा हूँ, वो थोड़ा सा और वैसा है. वो किसी की अगर कोई ऐसी बात चल रही होगी ना, तो अपना ह्यूमर ना कुछ अपना जो भड़ास है ना, ह्यूमर से निकाल देता है. तो बहुत अच्छा टाइम बीतता है उसके साथ, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ. आपने अच्छा हुआ आपने मेरे से पूछा, पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि यार विघ्नेश पांडे मतलब आइए. जयवीर जी, आपने जो पिछला शो था उसमें अक्षय कुमार के सामने, वो क्योंकि जज थे तो आप उनके सामने बहुत सारे, और वो बहुत मजे लेते थे आपके एक्ट में, वो इतना हंसते थे उनसे किस तरीके की बातचीत होती थी? क्योंकि वो तो उन जिन एक्टर्स की आप आवाजें निकालते वो तो उनके साथ काम करते थे, बैठते उठते उनका, तो उनका क्या रिएक्शन होता था? वो तो मेरे को सामने बोलते थे कि मैं देखो अभी बेटा देख कभी नवाज को बताता हूँ ढोलकी के, तू बहुत छाड़ा बन रहा है तू. वो बहुत मतलब मेरा मैं आई एम गिफ्टेड. मेरा जो जितने भी सेलिब्रिटीज उनके साथ जो मेरा बॉन्ड रहा है, ऐसा लगता है कि बड़ा मतलब बहुत पुराना चलता है. तो कई बार क्या होता है एडिट में बहुत से पार्ट कट जाते हैं, तो जब मैं आया भी था तो उन्होंने मुझे बोला था कि भाई लड़के का नाम तो बड़ा अच्छा, तो बड़ा ये कोई इसकी आवाज तो बड़ी अच्छी लग रही, कोई मीडिया आइडिया वाला बुला लिया है क्या? उनको लगा कुछ ऐसा करने वाले हैं क्या कुछ. कई बार उन्हें एक्टिविटीज डाल दी जाती हैं चैनल की तरफ से, मैं नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है. जब हम एक्ट कर लेते थे जब वो हमारा वो होता था ब्रेक होता था, तब हमसे बात करते थे, वो बोलते थे जयवीर जी तो बहुत कमाल कर रहे थे, सुंडी की मत सुना कर, ये सुंडी जो बोलता है इसमें सुंडी के चक्कर मत पड़ा कर. आपस में वो सभी एक दूसरे को सुंडी सुंडी बोलते हैं वो लोग. मेरे को बोले जो तू कर रहा है ना बेटा बहुत कमाल का है, तू लगा रहा है कोई क्या बोलता है तेरे को कुछ नहीं करने का, जो तू कर रहा है तू बहुत कमाल का कर रहा है. तो ये होता है ना कि यार सामने वाला आपको सपोर्ट भी कर रहा है कि यार जो तुम कर रहे हो ना तुम, यानी कि तुम सही वे पे जा रहे हो. ये चीजें आपको बहुत इंस्पायर करती है. इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना बड़े स्टार, मतलब अक्षय जी मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा फैन हूँ उनका मैं, तो इस तरह से जब वो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए तो बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा सर कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं ये नहीं करो वो नहीं करो, उन्होंने कहा जो तेरे को अच्छा लगता है तू वो कर, और कोई तेरे को क्या बोलता है ये सोचने की तेरे को जरूरत नहीं है. मतलब आई लव यू, बताओ अक्षय कुमार आपको इस तरह का बोले तो फिर क्या बात है. आज तक कभी आप नर्वस हुए किसी के सामने परफॉर्म करते हुए? जय विजय शाहरुख खान साहब के सामने क्योंकि क्रश मतलब ऐसा लगता है आप जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले वो यूनिवर्सिटी तुम्हारे सामने खड़ी है. उनके सामने मैं कांप गया था. बाकी मैं किसी के सामने, मैंने पॉलिटिशियंस के सामने परफॉर्म किया है, बड़े बड़े स्टेज में परफॉर्म किया है, इंटरनेशनल परफॉर्म किया है, 10,000 की ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया है, मैं कभी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जब सिर्फ शाहरुख खान साहब थे तब उनके सामने मेरी हालत खराब हो गई थी. आपके शो में बहुत सारे एक्टर्स आते रहते हैं, राजू जी भी आए थे जो खुद इतने अमेजिंग मतलब कॉमेडी तो करते ही हैं लेकिन मिमिक्री आर्टिस्ट भी रहे हैं, वो काफी सारी आवाजें निकालते हैं. अभी वो यू नो हॉस्पिटल में है, उनके बारे में उनसे भी जिस एक डेट हमारी पोस्टपोन हो गई थी, मेरे एपिसोड के आगे वाले एपिसोड में थे वो, और उनका उनके मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने कहा भाई तुम तो फोन नहीं उठा रहे हो यार. तो मैंने कहा रे सर वो आपका अभी जस्ट मैसेज देखा, मैं रिहर्सल में था. तो फिर राजू जी मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए. अब देखिए इत्तेफाक देखिए कि 2 दिन पहले ही बात हुई और उनके साथ फिर वो अपना निकल गए. मैंने कहा सर मैं आता हूँ आपसे मुलाकात करने के लिए और बहुत कॉम्प्लीमेंट दिए. उन्होंने कहा बेटा बहुत कमाल का कर रहे हो. उनको मेरे बारे में सब पता है तो एक अच्छी लगती ना कि इतना मतलब देश का इतना बड़ा कॉमेडियन और ऑलरेडी पॉलिटिकली भी एक्टिव है वो, काफी ठीक ठाक हिसाब है उनका. उन्होंने घर के बारे में जानते हैं, मैं किस किस शो में परफॉर्म कर चुका, क्या क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें मैंने बोली उन्हें बहुत अच्छी लगी जो किसी ने नहीं की, ये तुम बड़ा कमाल का कर रहे हो. मैंने और राजू जी ने हमने जो पुराना वाला लाफ्टर शो था अक्षय सर वाला, उसमें भी हमने साथ में परफॉर्म किया था एक एक्ट में हमने. कॉम्प्लीमेंट करें, आप सोचिए इससे बड़ा किसी आर्टिस्ट के लिए क्या हो सकता है. मैं जब कपिल जी से मिला था उनके सेट पे, उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया कि अपने का ब्रदर बहुत कमाल का करते हो यार, टू गुड. तो आप जो काम कर रहे हैं ना आपको फोर्स मिलता है और करने का कि यार आप यानी कि सही वे पे जा रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो. मैं ब्लेस्ड कि मेरे को मेरे साथ लाइफ में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास ये.
यू नो 5 years डाउन द लाइन जय विजय, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, ऐसा क्या करना चाहते हो, काम जो अभी आपको लगता है कि बहुत, आई एम श्योर अभी आर्टिस्ट कभी सेटिस्फाई नहीं होता, वो बहुत काम करना चाहता है, लेकिन ऐसे कोई आपकी विश लिस्ट है जो आप अभी बाकी है टिक करना? हाँ, मेरे एक शाहरुख खान साहब के साथ मुझे काम करना, मैं करूंगा, मुझे पता है, मैं इस लेवल पे मेहनत करता हूँ ना, मैं जैसे लोग होते ना कि मैं हमेशा, क्योंकि मैं ठीक ठाक पढ़ा लिखा आदमी, तो मैं उसी तरीके की बात करता हूँ। पहली बात तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ता है चीजों को लेके, और उस वे पे काम करना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हो। और मैं एक टाइम पे एक ही काम करता हूँ, एक टाइम पे, मैं मतलब क्या होता है, जब आप बच्चा बन के सीखते हो कोई काम तो वो आप अच्छे से कर सकते हो, जब आपको लगने लगता है ना आप कुछ हो गए हो तब फिर आप फिनिश। तो मैं बहुत कैलकुलेटिव काम करता हूँ। अभी मैंने ये ठीक ठाक, मुझे लग रहा है कि हिसाब किताब है अपना, लोग जानते हैं, बड़ा प्यार मिलता है। अब मेरे को एक्टिंग करनी हो, मैं एक्टर भी बहुत जबरदस्त हूँ, इतनी तो तारीफ मैं अपने आप से करूंगा ही। यह है कि एक अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं मेरे पास में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा प्रोजेक्ट हो जहां पर मैं कोई काम करूं। मुझे ग्रे शेड करने का बड़ा मन है, कोई मैं कोई निगेटिव रोल करूं, और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, दुआ रही बाकी सब दोस्त लोगों की और मेरे फैंस की, घर वालों की, तो आने वाले कुछ सालों में बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट में देखेंगे, और किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ देखेंगे निश्चित तौर पे, कन्फर्म। थैंक यू सो मच जय विजय, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर द फिनाले, जो भी जीतेगा, सब जो भी ट्रॉफी उठाएगा वो विनर ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने हमें 3 महीने से इतना एंटरटेन किया है, इतना हंसाया है, सो थैंक यू फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच विजय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।